हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इजी मेथड में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे कि जो हमने पिछली वीडियो में सलवार की कटिंग की थी उसकी सिलाई। उससे पहले प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल बटन पे, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन अबाउट आवर नेक्स्ट वीडियोस। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो हमने पहले कुंदे लिए थे, हम पहले सबसे पहले उसकी सिलाई लगाते हैं। उसे लगाने से क्या होता है, हमारी सलवार की जो जल्दी जल्दी से बन जाती है। जैसे ये वाले जो कुंदे बोलते हैं, कई लोग इनको पोंछा भी बोलते हैं, इनका जो आसन आता है सबसे पहले उसमें हम लोग सिलाई लगाते हैं। ऐसे एक पल्ला पकड़ेंगे, जो हमने पोंछे के लिए दूसरे पल्ले काटे थे उनको इसी पे ज्वाइंट कर देंगे। देखिए था, इसको ऐसे दोनों साइड से पकड़कर ऐसे ज्वाइंट कर दें। ज़्यादा तो कुंदे वो रह गए हमारे, तो वो भी 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे जो जो साइड है। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा आसन नहीं हम जोड़ते सलवार में, तो कभी कोई कहीं जुड़ जाता है, कभी जो नए नए सिलने वाले हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। इससे बेटर है कि पहले हम आसन वाले पास से और 2 पल्ले जोड़ लें। जब आपकी सलवार जुड़ जाए तो आप एक बार इसको पकड़ कर देख लें कि ये आसन से पकड़ कर देखें कि सही जुड़ रही है या नहीं। आपको ऐसे देख लें, ऐसे ठीक है। अब मेरी बेल्ट भी तैयार हो चुकी है, मैं बेल्ट आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बेल्ट मेरी तैयार हो गई है 24 इंच। जो मैंने आपको पहले बताया था कि 24 इंच के लिए बेल्ट करनी है, मैंने कटिंग में दिखाई थी, ये 24 इंच तैयार हो गई है। अब इसकी चोंटे भरेंगी। अब चोंटे सबसे पाने का तरीका होता है, आसान तरीका होता है, जो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम चोंटे जो अच्छी आए। इंची टेप से आप पहले इसको देख लें, जहाँ पर जो ये चीज़ बनती है उससे आपको एक निशान लेना होगा,
इंच, 9 इंच के लिए हमने जॉइंट भी आ रहा है और 9 इंच का आ रहा है। तो जहाँ से चुनटे आपने, जहाँ से लेकर जहाँ तक चुनटे डालनी है, उसके आगे आपकी चुनटे ना आए तो अच्छा है, क्योंकि फिर चुनटों की वो ग्रेस ख़त्म हो जाती है। और बेल्ट में जो लास्ट पीछे वाला हिस्सा होता है, जो ऐसे पकड़ कर देखें, जो ऐसे पकड़ कर एक निशान जरूर लगा लें जहाँ पर, इसमें भी दो चुनटे आएंगी, एक आगे को एक पिछली साइड को। मैं आपको चुनटों की सिलाई थोड़ी सी करके बता देती हूँ कैसे होती है इसकी। ना धीरे धीरे से इसमें चुनटे हमने डालनी है, हल्की हल्की सी, जो अच्छी सुंदर करें। कई लोग तो चुनटे पहले डाल लेते हैं, लेकिन वही होता है कि उसका काम बहुत डबल बन जाता है। मैं तो आपको इसी मेथड से आसान जो तरीका है वो बताती हूँ, आपको आराम से आ जाएगा। चुनटे हम आप देख सकते हैं, जहाँ 9 इंच का निशान आया तो वहाँ से हमारी चुनटे आ रही हैं, वो इस साइड को करके वो आगे वाली साइड बन जाएंगी आपकी। ऐसे कपड़े को पकड़ कर ऐसे डाला है हमने, हमारी सिवार में जो चुनटे हैं वो पड़ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। जो इस साइड वाली चुने दूसरी साइड को जाएंगी, इस साइड वाली इस साइड को डालनी है। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रख कर जोड़ें। मैं आपको सीधा करके इसका बता देती हूँ, चुने कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं आपको। ये देख सकते हैं कितनी सुंदर से आराम आराम से बिल्कुल जो है सफाई से चुनटे आई हैं इस साइड पर। कितनी चुनटे आई हैं थोड़े से कपड़े में, आप देख सकते हो कितनी चुनटे हैं जहाँ। तो अब इसके बाद हम पोंछे के लिए पट्टी लगाते हैं। ये हमारा जो पोंछा है कपड़े का, इस पर हमने ये बुकरम लगा लिया और ऐसे कपड़े पे जॉइंट कर दी, देख सकते हैं। इसका जो सीधे वाला पसर वो नीचे रख के ऊपर इसका रखना है, ऐसे ऊपर ऐसे सलवार का जो सीधे वाला पासा, इसका जो है बोट वाला पासा आएगा, इसको हमने आराम से ज्वाइंट कर लिया। क्योंकि जो सलवार के पोंछे होते हैं उसकी सफाई आनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। जी हमारे इस पर डिपेंड करता है कि अच्छी तरह से आराम आराम से इसको ज्वाइंट कर लिया। इस साइड को जो उल्टी वाली साइड है उसको उठा आराम से सिलाई लगानी है, जो सफाई बिल्कुल सफाई पहुंचा रहा है। देखिए आप हमारी ये सलवार बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल सफाई से आ रहे हैं चोने। देखिए आप कितनी ज्यादा पड़ी हैं, जो ये सेमी पटियाला बन गई है। देखिए चूड़ा कितनी अच्छी आ रही है। तो पहुँचे हुए इतनी सफाई से काम हो रहा है, क्योंकि इसका ये तो काम ज़्यादा होता है सलवार में कि पहुँचा अच्छा बन जाए। जी बहुत सुंदर है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।